हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं बहुत आसान रेसिपी के साथ, और घर के मसालों से बहुत मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए हमें, अदरक लहसुन है, पुदीना है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और तमाम मसाले 1 चाय के चम्मच, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा, गरम मसाला, और हमारे पास हल्दी है। और ये प्याज है जिसको मैंने चॉपर करके इसका पानी अलग कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमारे पास बेसन है, और 1/2 किलो कीमा है थोड़े से फैट के साथ। ये मैंने पहले से चॉपर करके प्याज का पानी अलग कर लिया है ताकि पानी इसमें ज़्यादा ना हो, वरना हमारे जो नरगिसी कोफ्ते का कीमा जब पिसेगा तो ये थोड़ा पतला होगा, फिर अंडे के ऊपर अच्छे तरीके से कोट नहीं होगा। और थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ हैं, अदरक लहसुन ले लिया है, और साबुत और साथ में हरी मिर्चें हैं। अब हमने तमाम चीज़ें चॉपर में डाल ली हैं। 1/2 किलो कीमा है और इसका बिल्कुल पानी निकला हुआ है। अब चॉपर में हमने पहले हरा मसाला डालना है, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, साबुत जूते डाल के इसको पहले चॉपर कर लेना है थोड़ा सा, ताकि जो है वो कीमे में कोई चीज़ साबुत ना रह जाए। इस वजह से पहले इसको हमेशा आप चॉपर कर लें। और अब हमने इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें मज़ीद डालनी हैं, जिसमें हमारे पास है कीमा 1/2 किलो है। कीमा जो है थोड़ा सा फैट के साथ है, यानी 25% इसमें कीमे के साथ फैट है। और ये प्याज जो चॉपर पहले मैंने की हुई थी और पानी इसका निकाल लिया था, ये 1 दरमियानी प्याज है। और 2 टेबलस्पून बेसन है, रोस्टेड भी डाल सकते हैं और सादा भी डाल सकते हैं। और डाल के अब इसको हमने पीस लेना है, बहुत अच्छा बारीक पीसना है। और अब इसके साथ अब हमने मसाले शामिल करने हैं, धनिया, रोस्टेड ज़ीरा है, हल्दी है, नमक और लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। बहुत भर के नहीं लिया है, नॉर्मल लिया है मैंने। तमाम चीज़ डाल के पीस लिया है। 4 अंडे हार्ड बॉईल कर लिए हैं, और ये बैटर हमारा अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं पिस गया है, बिल्कुल फाइन होना चाहिए। और अब इसमें हमने अंडे को रख के अच्छे तरीके से दबा दबा के कोट अच्छे तरीके से बाइंडिंग देनी है, ताकि ये निकले नहीं, टूटे नहीं, और बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के, कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए इसमें, वरना ये पकते वक्त फट जाएंगे और आपका कीमे का बैटर अलग हो जाएगा और अंडे अलग हो जाएंगे। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इस तरीके से बनाया, आप देख सकते हैं, आप महसूस हो रहा होगा बिल्कुल ईजीली कहीं क्रैक नहीं है। और ये हमारे तैयार हो गए हैं, अब इनको एक साइड पर कर देंगे। अब हमने ये साबुत मसाले ले लिए हैं इसमें हमारे पास, और 1 प्याज मैंने पीस लिया, 1 टमाटर ले लिया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें ज़ीरा है, शाह ज़ीरा हमारे पास, और 1/2 कप तेल में हमने ये साबुत गरम मसाला डाल देना है। दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, और हमारे पास तेज़पत्ता है। और अब हमने एक जो प्याज एक पीसी थी, दरमियाने साइज़ की पीसनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। और ये जब अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसमें अदरक लहसुन के 2 टेबलस्पून ये डाल देने हमने, और 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन है, तो दोनों को डाल दिया मैंने। और लाल मिर्च है हमारे पास, हल्दी, और ये धनिया पाउडर और नमक, ये भी 1 चाय का चम्मच है, ये इसमें शामिल कर देना है। और ये मसाला जो है हमारा बहुत आसान और बहुत मज़े का बनेगा। थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर को अच्छे तरीके से भून के मसाला देखें तैयार हो रहा है हमारा। इसको थोड़ी देर हम कवर कर देंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए, और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा इसमें ऊपर आ गया है और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो रहा है। और अब हमने इसके अंदर 1/2 कप के करीब दही डालनी है। इसको अच्छे तरीके से मैंने विस्क कर लिया था ताकि लम्स वाला गुटलियाँ निकल जाएँ दही की, और मसाला बहुत अच्छा स्मूथ सा तैयार हो। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लेके एक पैन में जो हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे उनको शैलो फ्राई कर लेना है, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा होगा और आपके लिए बहुत आसानी होगी ताकि ये टूटे नहीं, ये इसकी एक ख़ास स्टेप है। और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है जो, और ये हमें लास्ट में इसमें हमने जो है वो गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और जायफल जावित्री पीसी हुई थी 1/2 चाय का चम्मच वो मैंने शामिल कर दी है। और अब हमने नरगिसी कोफ्ते जो पीसे थे बनाए थे वो इसमें शामिल करके 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही यमी टेम्पटिंग से नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। हैप्पी स्माइल कुकिंग को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोग सब हेल्प कीजिए, और इस तरीके से हमारी तमाम रेसिपीज़ को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा।